जय साथियों, स्वागत है आपका बी एस अकेडमी के चैनल पर। अभी बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल था, जिसमें ग्राउंड पे आया तो बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, सर वार्म अप का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं अपने लाइव सेशन में ही बता चुका हूँ और आपको कई बार समझाया है कि वहाँ पर वार्म अप का समय हो सकता है कि आपको नहीं मिले, लेकिन वार्म अप आपको करना है तो आपको उसकी कला आना चाहिए किस तरह से वार्म अप करना है। तो जनरली क्या होता है कि वार्म का मतलब होता है गर्म और आपका मतलब होता है आपकी पल्स रेट को अप करना। जो आप नॉर्मली एक इंसान होता है अपने जीवन में बैठा है खड़ा है तो उसके हार्ट की हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में 72 बार होती है, और उसको बढ़ाना 110 120 130 तक ले आना, वो आपकी हार्ट बीट बढ़ाने को आप बोलते हैं, और वार्म बोलते हैं बॉडी को गर्म करना। तो मेरे पास स्टूडेंट है, इनको बता दूँ कि बेटा जब भी हम ग्राउंड पर जाएंगे तो हमें एक अपने पास लोअर होना चाहिए, टी शर्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर एक अपर होना चाहिए जिसमें चेन होती है। अपर आप समझते हैं पूरा ट्रैक सूट, यदि वो ट्रैक सूट होना चाहिए, और एक कैप होना चाहिए जिसको अपन सर्दियों में ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको पहन लेंगे, कान ढक लेंगे तो हमारी बॉडी थोड़ी सी देर में वार्म हो जाएगी थोड़ी एक्सरसाइज से। तो बॉडी को वार्म करना है और अपनी पल्स रेट अप करना है। तो यदि आप लोग जो है ट्रैक सूट पहनेंगे और उसके बाद थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट पहले आप अपनी बॉडी के ऊपर जो है आपकी बड़ी बड़ी मसल्स जितनी भी है, जैसे आपके बाइसेप मसल्स होगी, आपकी थाइस की मसल्स होगी, आपके कॉफ की मसल्स होगी, और थोड़ा सा आप जो है ट्यूब लेके अपनी कमर के निचले हिस्से में आप लगा लेंगे तो पूरी बॉडी पे बहुत इजीली वो हीट पैदा कर देगा। उसका ट्रैक सूट पहन ले, फिर आपको जब आपकी बॉडी को आपने पूरा ढक रखा है तो जल्दी गर्म होगी। अब आप किस तरह से आपको अपनी बॉडी को वार्म करना है, देखो यदि आपको उन्होंने इस तरह से लाइन में खड़ा कर दिया, चलो एक पीछे एक लाइन में खड़े हो, आपको ऐसे ही खड़ा करेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया। अब लाइन में खड़े हुए तो क्या आप अपनी जगह पर ऐसे जंप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसे जंप करो। अब इस तरह से आप जंप कर रहे हैं तो आपका जंप करने से धीरे धीरे करके आपकी पल्स रेट अप हो रही है, बॉडी वार्म तो हो रही है क्योंकि आपने पूरा ढक रखा है, उसको पल्स रेट अप हो रही है। इस तरह से आप जो है अपनी बॉडी को वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, इस तरह से करते रहेंगे। फिर आप खड़े हुए हैं तो ऐसे करके पीछे बट किक कर सकते कि नहीं कर सकते? इस तरह से आप धीरे धीरे करके इससे पीछे बट किक करेंगे, बट किक करेंगे 10-15 बार बस, ठीक है, 10-15 बार बट किक कर लिया आपने। इसके बाद फिर क्या है कि आप ऐसे करके डीप स्क्वाट लगा, डीप स्क्वाट ऐसे बैठ सकते हो नहीं, खड़े खड़े बैठ के देखो। आप इस तरह से जब लाइन में खड़े हैं तो आप ऐसे बैठेंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। डीप स्क्वाट लगाते से क्या होगा, आपके ग्लूट्स चार्ज रहेंगे, आपकी जो है कि हिप जॉइंट की मसल से सुमो स्क्वाट पोजिशन में बैठेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगी। फिर खड़े खड़े हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम खड़े खड़े हमारी मसल्स को इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं, कर सकते हैं ना। इसी तरह से अपन इस तरह से इधर खींच लेंगे, इसको इस तरह इधर खींच लेंगे, कोई मना करेगा आपको लाइन में खड़े खड़े? ये कोई मना नहीं करेगा, आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। आगे झुक सकते हैं, आगे बेंड हो गए, पीछे बेंड हो गए, देखो हम लाइन में खड़े हैं, आगे पीछे बेंड आप हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप साइड में अपने कर लिया, इस खड़े खड़े आप साइड में कर सकते हैं। फिर आपको लग रहा है थोड़ी देर अपन ने बट किक कर ली थी, अब हम क्या करते हैं हाइनिस कर लेते हैं, खड़े खड़े ऐसे हाइनिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं लाइन में, ठीक है, रिलैक्स। तो आप इस तरह से हाइनिस कर सकते हैं, हाइनिस करते से जैसे ही थोड़ा करेंगे आपका फिर आपके पास स्ट्रेट हाई होगी। फिर जो है आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, अब वापस से फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाए, फिर वापस बैकवर्ड बेंडिंग हो जाए, साइड बेंडिंग हो जाए, इससे आपकी कमर की सारी मांसपेशियां जो है एक्टिव हो जाएगी। और जो है आपको जैसा लग रहा है कि हमने ये कर लिया और उसके बाद भी वार्म अप करना है ठीक से, तो कहना कि 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर क्या होगी, टॉयलेट होगी। जब जॉगिंग करते हुए मान के चलिए कि फुटबॉल का पोल टॉयलेट है, जाओ जॉगिंग करते हुए जाओ, यहाँ पर आपको इस तरह से आपको मौका ढूंढना है टॉयलेट करने के लिए गए और वहीं पे रुक जाओ, और वहीं रुक जाओ और 3-4-5 एक्सरसाइज कर लो, कौन सी कर सकते हो वहाँ पे। आपने टॉयलेट कर ली, टॉयलेट करने के बाद में जो है आप वहाँ पर रुक कर 3-4-5 एक्सरसाइज कर लें, आ जाओ वहाँ से वापस। देखिए ऐसे लंजेस करते हुए, लंज की 3-4-5 बार लंजेस करें, जॉगिंग करते करते आप वापस से वहाँ पर लाइन में आके लग गए। अब इस तरह से आपको क्या करना है, मौका बनाना पड़ेगा, मौका ढूंढना पड़ेगा कैसे हम वार्म अप करें। आपको वो नहीं बोलेंगे जाओ वहाँ तक दौड़ के आ जाओ थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, ये आपको मौका बनाना पड़ेगा हम किस तरह से वार्म अप करें। फिर आप लाइन अप खड़े हो, आपकी बारी नहीं है, या फिर आप बैठे हुए, चलो ना आपको बैठा दिया, बैठ जाओ आप, बैठ गए आप, बैठ के पैर लंबे कर लो, पंजे पकड़ लो पैरों के, ठीक है। अब ऐसे करके याली एक्सरसाइज अपन करते हैं वार्म अप के अंदर, इससे आपकी पूरा बैक स्ट्रेस हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेस हो जाएगी, कॉप स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। बस ऐसे 1-2 बार कर लिया, अब बटरफ्लाई कर लें अपन, बटरफ्लाई कर लिया बैठे बैठे, वो आपको बैठा रखा तो बैठे बैठे बटरफ्लाई करते रहो आप,
ठीक है। अब आप जो है बैठे बैठे अब जो अपन हलासन करते हैं पीछे की तरफ पैर लगा दे, वो थोड़ी जगह बना के तिरछे हो जाओ, कर लो तिरछे, यस पीछे जाओ। इस तरह से आपने जो है आगे आ गए या आगे आ गए फिर पीछे चले गए, इससे जो आपकी कमर पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, कमर का बैक है आपका रोल हो जाएगा। रोल होने से पूरी, क्योंकि कमर का बहुत बड़ा रोल होता है, जितना जितनी अच्छी कमर फ्लेक्सिबल होगी, जितनी अच्छी कमर चार्ज होगी, आपको दौड़ने में टाइटनेस नहीं होगी। बस रिलैक्स, और एक्सरसाइज जो है आपको मौका बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको दौड़ने के पहले खड़े हो जाओ बेटा, दौड़ने के पहले आपका हर एक जॉइंट एक्टिव होना चाहिए। फिर आप थोड़ी देर के बाद मौका मिला आप फिर खड़े हो गए, तो खड़े होकर आप जो है अपने इस तरह से इसको स्ट्रेच कर लें, पैर को करो करो बेटा ऐसा स्ट्रेच करो, दबाओ इसे, घुटना उठाओ घुटना, और यहाँ से इसको खींचो, ये आपकी ग्लूट्स की मसल स्ट्रेच होगी। फिर आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कर लो इससे, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कर लिए आपने, ठीक है, ऐसे करके क्वाड्रिसेप्स आपने स्ट्रेच कर ली, स्ट्रेच करते रहिए करते रहिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है, आप आगे पैर निकालो खड़े खड़े, ऐसे करके झुक जाओ, ये आप स्ट्रेच कर लो, आगे वाला पैर एकदम स्ट्रेट रखना, पीछे वाला फोल्ड करके आपकी एडी के यहाँ पर आपकी उंगली को टच करने की कोशिश करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। तीन चार बार स्ट्रेच कर ले, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, तीन तीन चार चार बार हर एक्सरसाइज को करना है, इसलिए इजीली आपकी बॉडी चल। फिर आप यहाँ खड़े खड़े फिर आप इससे करके जंपिंग करते रहिए, ठीक है, जंपिंग करते रहिए, 10-15 स्टेप हाइनेस कर लो, हाइनेस कर लो, ये आपको 5-7-8 मिनट में चार्ज कर देगी, पूरी बॉडी वार्म होगी। अब आपको उन्होंने ले आके खड़ा कर देगा, चलो आप टाइमिंग के लिए आप खड़े हो जाओ, आपका टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है। तो आप क्या करना है आपको कि उसके पहले आपको चीप अलॉटमेंट के पहले आपका टाइमिंग स्टार्ट एकदम नहीं होगा, एक 15-20 मीटर की स्प्रिंट मार लो, जाओ बस 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 आ जाओ, ऐसे 15-20 मीटर की स्प्रिंट मार लेना। और ये क्या करना है आपको, यदि अपन देखें कि आपको इस साइड दौड़ना है ट्रैक में, आपका चीप सामने सेंसर लगा इधर दौड़ना है, तो उसके तरफ मत दौड़ जाना, आप पीछे की तरफ लगाना, आपके स्टार्टिंग लाइन में आगे नहीं पीछे भागना। कभी हो सकता है कि उन्होंने आपकी चिप एक्टिव कर दी हो और जो है आप सेंसर लाइन के आगे निकल जाओ, तो वो नहीं करना आपको। सेंसर लाइन यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइन है आपकी, तो आप यहाँ पे आपको खड़ा करा है ना, तो बैक साइड में आप जो है 20-25-30 मीटर एक स्प्रिंट मार लो, स्ट्राइड मार लो, स्ट्राइड बोलते हैं, बहुत तेज भी नहीं बहुत स्लो भी नहीं, स्ट्राइड मार के फिर आप हाइनेस करते हुए या थोड़ा रिलैक्स करते हुए आ गए। तो ऐसा क्या है कि वो आपको क्या करेंगे, इसके लिए आपको डांट लगाएंगे, क्या कर रहा है, क्यों टाइम ख़राब कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप लोग सॉरी सर, प्लीज़ सर, ओके सर, ये करके अपना काम निकल लें। यदि आपने उनसे बहस की तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा डांट लगा दे, और ज़्यादा उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जिससे कि आपका टेम्परामेंट हाई हो गया, तो आप घबराहट में कुछ गलत कर दोगे। इसलिए क्या है कि आप सॉरी सर, ओके सर, सॉरी सर, ओके सर करके अपना काम निकल लें। तो स्टार्टिंग लाइन के पीछे की तरफ आती है, 2-3 बार इस तरह मौका लगे तो आप जो स्ट्राइड लगा ले 30-40 मीटर की, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह वार्म हो जाएगी। तो तरीका यह है कि वार्म अप के लिए आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, आपको ये देखना है कि आप जब लाइन में खड़े हैं आपको लग रहा है आपकी आगे वाली जो फाइल है उसको 15 मिनट या 20 मिनट के बाद का टाइम लगता है, यहाँ से जहाँ आपको चीप अलॉटमेंट के बाद यहाँ से वहाँ तक जाने में 20 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लग रहे हैं, ये आपको वहाँ वॉच करना है। उसके बाद जो है उसके 15-20 मिनट पहले, जैसा मैंने बताया आपको कि आप जो है पहले अपनी बॉडी पे ऑइंटमेंट लगा ले, मुंह या फास्ट स्लिप ट्रैक सूट पहन ले, और उसके बाद ट्रैक सूट पहनने में टोपा पहन ले, आपको ज़्यादा ठंड लगती है इनर पहन ले अपना, वो जो इनर होता है लक्स कोजी वगैरह का, और उसको ढकने के बाद में, उसको ढकने के बाद जब आप वार्म अप करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। जितने एथलीट होते हैं सब लोग अपने कैप भी पहनते हैं, लोअर टी शर्ट अपर भी पहनते हैं, और जैसे ही आप लोगों को वो बोले आपको इन्होंने चीप अलॉटमेंट कर दिया, वो पहना दिया आपको चेस्ट नंबर, उसके बाद ही अपना अपर बॉडी पर डाल सकते हैं। उनको बोलना सर हम वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे उतारेंगे, जैसे आपको ऑन योर मार्क होने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले आप अपर अगर उतार के वहाँ पर रख दें। तो ये वार्म अप का तरीका मैंने बताया, यही सबसे शॉर्ट वार्म अप है। आप खड़े खड़े जंपिंग जैक कर सकते हैं, यदि आप इस लाइन में खड़े तो वहाँ पर ऐसे ऐसे जंपिंग जैक करने आपको कोई मना नहीं करेगा, कर सकते नहीं कर सकते करो लाइन में। ये जंपिंग जैक एक्सरसाइज होती है और फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, बस रिलैक्स। इसमें आपके कंधे की एक्सरसाइज हो रही है और आपके पैरों की बॉडी, तो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। जंपिंग जैक कर सकते हैं, हाइनेस कर सकते हैं, बट किक कर सकते हैं, खड़े खड़े बहुत सारे एक्सरसाइज है। ये करने के बाद आप पूरी बॉडी को जितना मौका ले, स्ट्रेचिंग आपको इतनी आती है खड़े खड़े बैठे बैठे वो करते रहे, और वार्म अप अच्छा करने के बाद ही आपका 800 मीटर का टाइमिंग अच्छा आएगा। अब यदि उठ के सीधे भाग गए, सीधे भागेंगे तो ये रेस जो रहती है स्प्रिंट की रेस में भी इसको शामिल कर लिया गया है, स्पीड इंड्योरेंस की रेस है। यदि आपने ज़्यादा तेज पहला राउंड लगा लिया
या स्टार्ट फास्ट लिया तो लैक्टिक एसिड भी बॉडी पे आ जाता है, और लैक्टिक एसिड आता है जब जब आपकी बॉडी वार्म नहीं होती, जल्दी टाइटनेस आ जाती है। अच्छा वार्म अप करके दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा एक लाइव सेशन जो है लास्ट के 7 डेज में, आपको डीलोड वर्कआउट करना है, ओवरलोड वर्कआउट नहीं करना। 7 से 10 दिन पहले एक मैंने वर्क डाला था लाइव सेशन, उसमें लास्ट के जो 2-3 दिन का मैंने बताया आपको खाने पीने के बारे में, वो देख लेना आप। और अधिक जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।